हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हम यहाँ पे मैच कवर करने आ रहे हैं द 100 लीग का एलिमिनेटर मैच। तो गाइस, ये हमने 100 लीग पूरा कवर करा था यहाँ पर और काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिटेबल गया है अभी तक का ये। अब हम उम्मीद करेंगे जो हमारे दो मैच बचे हैं एलिमिनेटर और कल एक फाइनल है, तो कल के बाद जो 100 लीग है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद से हम यहाँ पर को CPL का प्रीव्यू चालू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि देखो हम इतनी मेहनत करते हैं बस आप लोगों के लिए करते हैं। हम आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, बस आपसे एक चीज़ मांगते हैं, एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब। तो वैसे अब बात करेंगे हमारे आज के मैच की, तो जो आज का मैच है ना वो होगा साउथहैम्पटन पे। अब साउथहैम्पटन की अगर पिच की बात करूँ तो वैसे तो ये पिच काफ़ी एक अच्छी है बैटिंग के लिए, जैसे यहाँ पर कोई 170 के आसपास आपको स्कोर दिखता है, लेकिन इस सीज़न पे ये स्कोर इतना बड़ा नहीं गया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर को एवरेज फर्स्ट इनिंग के स्कोर की 140 रहा इस सीज़न में। ठीक है, अब यहाँ पर को मैं आपको बता दी मैंने जो पिच है ना वो दोनों ही के लिए अब यहाँ पर को फेवरेट हो गई है, बैट्समैन के लिए भी बॉलर के लिए भी। अगर आप यहां से आप देखते हैं इनके वेन्यू स्टेट्स तो आप थोड़ा सा डीपली में जाके देख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो वेन्यू स्टेट्स हैं आपको T20 की देखनी है, जहां पर को T20 ब्लास्ट होते हैं, मिडिलसेक्स तरह ये जैसी टीमें खेलती हैं, तो 100 के भी यहां पर को आपको नहीं मिल पाएंगे स्टेट्स। तो अगर आप इसको फिर भी एक बार देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं। अब हम यहां से बात करेंगे हमारे आज के मैच की, वेदर की, पेस और से स्पिन, ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, क्योंकि इससे ना आपको पता चल जाता है कि आज के मैच पर क्या होने वाला है। अब यहाँ पर बात करूँ पेस और स्पिन की, तो पेसर्स को यहाँ पर 49 विकेट मिले, स्पिनर्स को 44। तो स्पिनर्स यहाँ पर कब काम में आते हैं, सेकंड इनिंग पे। अब यहाँ पर बात करूँ पेसर्स की तो इनको 49 मिले हैं, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स का भी जो रोल है ना काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो दोनों ही का डिफरेंस है ना कुछ ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं वेदर की, तो गाइस वेदर के इतने कुछ ज़्यादा चांस आपको नहीं दिखेंगे बारिश के। अब फिर फॉर्म देखो तो गाइस यहाँ पे MNR का फॉर्म ना एक लाजवाब चल रहा है, लास्ट के 5 मैच जीत के आ रहे। और LNS की बात करूँ तो यहाँ पर LNS के लास्ट के 5 मैचेस में यहाँ पर इन्होंने 3 हारे हैं। लेकिन गाइस ये एक एलिमिनेटर मैच है, यहाँ पर प्रेशर रहता है, चाहे कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम हो चाहे कितनी वीक हो, प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर होगा, क्योंकि उनको ये मैच में एलिमिनेट नहीं होना है, क्योंकि जो एलिमिनेट होगा वो यहाँ से चला जाएगा बाहर, और जो जहाँ से जीतेगा वो यहाँ पर खेलेगा कल का फाइनल मैच। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जरूरी नहीं कि MNR का यहाँ पर फॉर्म अच्छा है तो वही जीते, हो सकता है कहीं से वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ ऐसी गलतियाँ कर दे जहाँ पर को LNS को एक बेनिफिट मिल जाए और वहाँ पर एक अच्छा काम कर जाए। तो ग्राइंडिंग में LNS की तरफ से एक आध ग्राइंडिंग टीम आप जरूर डालना। अब पहले यहाँ से बात करते हैं LNS के प्रोबेबल 11 की, तो यहाँ से आपको दिख जाएंगे मॉर्गन एज अ कैप्टन, जैक क्रॉली, लॉरेंस बोपारा एंड डेवसन, फिर आपके बाद यहाँ पे दिखेंगे थॉमसन, MC डायरमोट, रॉसिंगटन, यहाँ पे फिर आपको दिख जाएंगे नाथन एलिस एंड मैसन क्रेन एंड वील। तो अब बात करो MNR की, तो यहाँ पे आपको टर्नर, इवांस, यहाँ पे एल इवांस है, यहाँ पर इनके जो कैप्टन है लेमन बॉय, वी मैटसन, आपको टी स्टप दिख जाएंगे, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, वॉल्टर, फिर पी सॉल्ट, मैट पार्किसन, आरजी ग्लिसन, टी हार्टले एंड जोशुआ लिटिल। तो अब देखो मैंने आपको बता दिया कि आपको जब LNS का एक आपको बनाना ना ग्रैंड लीग वाला, तो उसमें आप किसको कर ट्राई करेंगे, आप लॉरेंस, थॉमसन, डेवसन और मॉर्गन, ये हमारे कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको टीम, इनकी जो टीम है ना वो LNS को जिताने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और अगर बात करूँ MNR की तरफ से तो वहाँ पर आपको इसको लेके जाएंगे हार्टले हैं, लिटिल और सॉल्ट, स्टप्स, मैटसन, इन लोगों का चलना यहाँ पर से काफ़ी जरूरी का हो जाएगा। और फिर बात करूँ LNS के बॉलर्स की, तो आपके पास क्रेन एंड विल, यहाँ पे इनको लेके जाना, और रॉसिंगटन को भी आप लेके जा सकते हो, क्योंकि एक ओपनिंग करने आते हैं और विकेट कीपर भी हैं। तो गाइस अब हम यहाँ से बात करते हैं हमारे टॉपिक्स में, सबसे पहले बैट्समैन की बात करेंगे, टी स्टप्स हैं यहाँ पर को एक काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको प्लेयर दिखाई देंगे। रीज़न देखो, एक तो इनके जो ऊपर के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे या फिर आप कह सकते हो की बैट्समैन, वो यहाँ पर को नहीं है, तो उनका प्रॉफिट इनको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दो जब वहाँ पर नहीं खेल रहे तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो यहाँ पर को प्रमोट किया जा रहा है, और फिर यहाँ पर बॉलिंग से भी अच्छा काम करके जा रहे हैं। फिर ये बात करते हैं मैटसन की, तो गाइस मैटसन एक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, काफ़ी उन्होंने अच्छा काम खेला और एक मैच विनिंग नॉक खेला था, कौन सा वाला, 53 रन वाला, जहाँ पर को उन्होंने ओवल इंडियंसल के खिलाफ खेला था, वहाँ पर को उन्होंने वो मैच जीता और फिर मैच जीत के टॉप 3 में जगह बनाई, फिर उसके बाद से आज एलिमिनेटर पर खड़े हैं वो। और गाइस देखो, अगर आज का मैच जीते तो फाइनल में पहुँचेंगे और फाइनल का उनका मुकाबला होने वाला है। तो अब यहाँ से देखो बात करते हैं हमारे ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डेवसन। ऑप्शन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बस की प्लेयर बताता हूँ, की प्लेयर हमारे पास एक डेवसन होंगे और ऐसा डिफरेंशियल भी होंगे, साथ में क्रेडिट वाले पिक भी हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, जब आप टीम बनाते हो तो आपको लगता है कि एक हाई क्रेडिट वाला मैच है, वहाँ पर को आपको ऐसा प्लेयर चाहिए होता है कि आपको एक लो बजट में मिल जाए और एक अच्छा प्लेयर। तो अगर कभी ऐसा इशू आता है तो अब मैं आपको बता दूँ, डेवसन काफ़ी अच्छे पिक है हमारे लिए। ठीक है, उन्होंने 8 विकेट लिए हैं 8 मैचेस में, 317 पॉइंट है, और उनका अगर क्रेडिट देखो ओनली 8.5 है। तो मैं आपसे दोबारा ये कहूँगा कि एक गुड बजट पिक होने वाले हैं हमारे आज के मैच के लिए।
अब हम यहाँ से बात करते हैं बॉलर्स की। तो गाइज बॉलर आपको दिख जाएंगे हार्टली, तो गाइज इन्होंने अभी तक यहाँ पर काफ़ी अच्छे विकेट निकाले हैं, यहाँ पर 9 विकेट निकाल दिए 8 मैचेस में। फिर यहाँ पर चलते हैं पी सॉल्ट की तरफ। पी सॉल्ट जब से यहाँ पर बटलर वाली इंजरी आई ना, तो सॉल्ट का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बड़ा है, और इनके अगर आप टोटल रन देखते तो 313 रन है, और स्ट्राइक रेट की बात करूँ तो 150 हुए, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर स्टार्ट करके जाते हैं और काफ़ी अच्छे बैट्समैन भी हैं। तो गाइज़ अब हम यहाँ से बात करेंगे हमारे टॉस विनर और मैच विनर की। अगर टॉस विनर की यहाँ से बात करते हो तो LNS है, और मैच विनर यहाँ पे आपको दिख जाएगा चेजिंग वाली टीम यहाँ पे रहने वाली, क्योंकि यहाँ पर को जो अभी तक का एक ट्रेंड का होगी या फिर जो अभी तक का यहाँ एनालाइज है ना, वो यहाँ पर चेज वाली टीम का काफ़ी एक अच्छा रहा है। तो इसलिए जो हमारी मैच विनर होगी वो होगी चेजिंग वाली टीम, और यहाँ पर को टॉस विनर यहाँ पे LNS टॉस जीतेगा। तो ये देखो फाइनल टीम आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतने, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।